शुरू से ही डायरेक्शन में आपको रुचि थी कि पहले मतलब क्योंकि आप आपको हमने पहले एक्टर एज एन एक्टर देखा, डायरेक्टर कैसे बने आप? मैं चाहता मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है उसका, कि वो कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ नया करता रहे, कुछ उसकी ग्रोथ होती रहे। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ नया सीखता गया, समझता गया, लिखता गया, पढ़ता गया, और एक दिन ऐसी लालसा जागी कि मैं भी कुछ बनाऊं, मैं भी कुछ कहूं। एंड आई थिंक वही हुआ कि आई जस्ट फेल्ट लाइक मेकिंग अ फिल्म वेरी नेचुरली, ऑर्गेनिकली। मैं एक्चुअली वैसा किस्म का आदमी हूं जिसका कोई लाइफ में कोई मकसद है ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, वो मुझे कभी ऐसा इल्म था ही नहीं। सो आई थिंक इट वॉज वेरी नेचुरल जेंटल प्रोग्रेशन। सर पहली फिल्म के सफर से शुरू करते हैं, मीरा नायर से कैसे मिले थे आप? मतलब आपको कहाँ से मिली वो पहली फिल्म और कामा सूत्रा करियर शुरू करना था? इतना नौजवान, 6'6" की हाइट, सुंदर लड़का, सब कुछ अच्छा, और कामा सूत्रा? नहीं, एक्चुअली मुझको कामा सूत्रा में मैं बतौर असिस्टेंट भी काम किया मैंने। अच्छा। मीरा जी के सो मुझे उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स देखी और मुझे बॉम्बे से दिल्ली बुलाया, फ्लाइट की टिकट दी, सब कुछ, होटल में ठहराया और सिर्फ एक मीटिंग के लिए। बॉम्बे से कहाँ बुलाया? बॉम्बे से दिल्ली बुलाया। मीरा जी दिल्ली में थी। और वो जैसे मैं उनको मिलने के लिए कमरे में घुसा तो बोली, अरे बाप रे, आप बहुत जवान हैं इस रोल के लिए, यू आर टू यंग, यू आर सच अ हैंडसम ब्यूटिफुल बॉय, यू नो, एंड आई एम सो सॉरी आपका समय हमने ख़राब किया, बट यू नो यू सो ऑसम टू हैव यू, यू नो, बट यू आर टू यंग। तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुआ, मैंने कहा मीरा जी आपसे मुझे मिलने का मौका मिला, इससे बड़ी चीज़ कोई और हो नहीं सकती है, मैं चाहूँगा मैं आपके साथ काम करूँ, प्लीज़ मुझे आप मौका दीजिए आप। तो बोलिए, अरे आपको मैंने कास्टिंग के लिए बुलाया और आप असिस्टेंट के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं? मैंने कहा जी आपके साथ कुछ भी करने को मेरे को ऐसा मौका मिले कर लो आप तो। सो आई सेड यस, आप मुझे बस आई वुड लव टू वर्क विद यू, देखूं कि कैसे बनती है हॉलीवुड फिल्म, क्या होता है, एंड बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक रोल भी उन्होंने करवाया मुझसे, फिर तो एज अ फैमिली हो गए थे हम लोग। क्या पहन कर गए थे आप, मतलब याद है आपको? क्योंकि आपको मीरा नायर के सामने जाना था। हाँ, आई थिंक तब भी मैंने धुले हुए कपड़े पहने थे। कोई खास तैयारी की थी कि मैं कोट पहनूं, मैं शर्ट पहनूं? नहीं, मैं नॉर्मल जाता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली तब अब तो फिर भी सोचता हूँ अपने उसके बारे में कि मेरा रहन सहन कैसा है। उस समय तो बहुत एटीट्यूड था, सिर्फ एक मेरा एटीट्यूड ही था मेरे पास, उसमें कभी मैंने सोचता नहीं था क्या कपड़े हैं, सिर्फ एक पतलून पहन ली, टी शर्ट पहन ली, बहुत हो गया। क्या बात है। और कोई खास बात आपको याद हो, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपकी तारीफ की, और क्या बात हुई थी अगर आप शेयर करना चाहें? कौन सा कमरा था, क्या वो होटल में रुकी थी, कहाँ पे? नहीं, उनका ऑफिस था वसंत विहार में, और उन्होंने कहा कि देखो असिस्टेंट बनना है तुमको, बहुत अलग काम है, मेहनत का काम है, तुम करना चाहोगे, और अगर करना चाहोगे तो तुमको मैं ये नौकरी नहीं दे सकती हूँ, तुमको दूसरे जो को प्रोड्यूसर्स हैं, जूनियर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो काम। तो उस समय मेरे बॉस थे अपूर्व लाखिया, जो आज के दिन में बहुत बड़े बॉलीवुड की फिल्म मेकर हैं, और मेरे एसोसिएट थे उस समय जोया अख्तर, और कौन थे उस समय मेरी फिल्म में साथ, बहुत सारे लोग थे जो आज बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। सो इट वॉज क्वाइट इनक्रेडिबल। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटा सा रोल था, फिर रामू के पास चले गए आप? जी हाँ, तो बस फिर तो बस बहता गया मैं, जो जहाँ बुला लिया जैसे हो गया। वहाँ पर भी एक छोटा सा रोल? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर आपको घुसना है तो रोल बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काम करते रहे आदमी, काम चलता रहे आगे, फिर तो बाकी किस्मत अपने आगे आपको ले जाएगी।